Welcome to my channel, dear students. In last video we have discussed 10th class mathematics chapter 4th quadratic equation exercise 4.3 up to question number 8. Now it's our question number 9th. Two water taps can fill a tank in 9 and 3 by 8 hours. The tap of larger diameter takes 10 hours less than the smaller one to fill the tank separately. दो टैप्स हैं, दोनों मिलकर एक टैंक को फिल करती हैं 9 and 3 by 8 आवर्स में। अगर सेपरेटली उनसे फिल करवाया जाए तो लार्जर डायमीटर यानी कि लार्जर जो टैप है इट टेक्स 10 आवर्स लेस देन द स्मॉलर वन सेपरेटली। फाइंड द टाइम टेकन बाय ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। तो हमने दोनों टैप्स का सेपरेटली फिल करने का टाइम फाइंड आउट करना है। सो लेट टाइम taken by larger tank, that is x hours. So time taken by smaller, जो smaller tap है वो 10 hours more लेगी, तो it means it will be x plus 10 hours. So time taken by both tap together, that is 9 and 3 by 8 hours, that is 75 upon 8 hours. तो जब भी टाइम और वर्क से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी तो हमें हमेशा वन यूनिट टाइम का जो वर्क है वो फाइंड आउट करना होगा। सो लेट्स फाइंड इट, वन आवर वर्क ऑफ लार्जर टैप is equal to 1 by x. So 1 hour work of smaller tap ka jo hai, that is 1 upon x plus 10 ho jayega. So 1 hour work of both, that equal to 1 upon 75 and 8 upar aayega. So now kya hoga ki one time work dono taps ka agar add karenge, that will be equal to 1 hour work of both taps, means 1 upon x plus 1 upon x plus 10 equal to 8 upon 75. अब इसको LCM लेके हम throughout multiply करेंगे and after that इसे standard form में लिखेंगे. So what is the LCM? That is 75x into x plus 10. अगर x से divide करेंगे तो हमें मिलता है 75 into x plus 10. अगर x plus 10 से divide करते हैं then we get 75x and on this side 75 से divide करेंगे तो रिमेनिंग क्वेश्चन आएगा हमारे पास x इंटू एक्स प्लस 10, उसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 8x इंटू एक्स प्लस 10. अब इसको थ्रू आउट मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा, इसको छोड़ देंगे हम, दैट विल बी इक्वल टू 75x प्लस 750 प्लस 75x इक्वल टू 8x स्क्वायर प्लस 80x. नाउ वी विल राइट इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म. So 8x square plus 80x, 75 and 75, 150. 150 को right hand side shift करेंगे, it will be 150x and minus 75. So here is 0. So now our equation is in standard form. So 8x square, 80 minus 150, that is minus 70x and minus 750 equal to 0. तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे बाय सप्लीटिंग मिडल टर्म, बट बिफोर इट व्हाट वी सी कि 2 इज द कॉमन फैक्टर, 2 इसको थ्रू आउट डिवाइड कर सकता है. सो लेट्स डिवाइड इट बाय 2 एंड वी गेट 4x स्क्वायर माइनस 35x एंड माइनस 375 इक्वल टू 0. नाउ वी विल सॉल्व इट बाय सप्लीटिंग द मिडल टर्म्स. आप चाहें तो यहां पे जो है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं. सॉल्व करने के लिए हमें मिडिल टर्म को स्प्लिट करना होगा. मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के लिए हमें क्या चाहिए कि हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका सम 35 हो लेकिन प्रोडक्ट जो है 375 मल्टीप्लाई 4 यानी कि माइनस 1500 हो. सो दैट इज 4x स्क्वायर माइनस 60x प्लस 25x एंड माइनस 375 इक्वल टू 0. अब दो पेयर बन गए हमारे पास, में से हम कॉमन फैक्टर चूज करेंगे. 4x कॉमन फैक्टर आता है, एक्स इज x माइनस 15 प्लस, और इधर से अगर हम 25 कॉमन फैक्टर लेंगे दैट इज ऑल्सो x माइनस 15 इक्वल टू 0. नाउ बोथ ब्रैकेट्स आर सेम सो इट इज कॉमन फैक्टर,
सो एक्स माइनस 15 एंड रिमेनिंग इज 4x प्लस 25 इक्वल टू 0. नाउ एक्स माइनस 15 इक्वल टू 0 और 4x प्लस 25 इक्वल टू 0. फ्रॉम हेयर वी गेट एक्स इक्वल टू 15 एंड फ्रॉम हेयर एक्स इक्वल टू माइनस 25 अपॉन 4. इट्स नेगेटिव सो टाइम कैन नेवर बी नेगेटिव सो रिजेक्टेड. फिर से हम रिजेक्ट कर देंगे. सो हमारा टाइम कितना आया था 15. एंड व्हाट इज एक्स दैट इज द टाइम टेकन बाय लार्जर टैब. सो टाइम टेकन बाय लार्जर टैब दैट इज 15 आवर्स. सो टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैब इज इक्वल टू एक्स प्लस 10 मीन्स 15 प्लस 10 दैट इज 25 आवर्स. सो लॉन्ग विद दिस अवर नाइन्थ क्वेश्चन इज ओवर. सो लेट्स स्टार्ट द टेंथ क्वेश्चन. सो दिस आर टेंथ क्वेश्चन. एंड एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन द पैसेंजर ट्रेन. एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो 1 आवर लेस टाइम कंज्यूम करती है देन द पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल 132 किलोमीटर. डिस्टेंस 132 किलोमीटर है बिटवीन मैसूर एंड बेंगलोर. इफ द एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर पर मोर देन द स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन. पैसेंजर ट्रेन की स्पीड से जो एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड है दैट इज 11 किलोमीटर पर आवर मोर. सो फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ बोथ द ट्रेन्स. सो लेट स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन दैट इज एक्स किलोमीटर पर देन स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन दैट इज एक्स प्लस 11 किलोमीटर पर आवर. क्योंकि जो एक्सप्रेस ट्रेन है उसकी स्पीड 11 किलोमीटर पर आवर मोर है. सो डिस्टेंस दोनों ने जो कवर अप करनी है फ्रॉम मैसूर टू बेंगलोर दैट इज 132 किलोमीटर. सो टाइम जो है दैट इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड के इक्वल होता है. सो लेट्स कंपेयर देयर टाइम. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 132 किलोमीटर डिस्टेंस जो है दैट इज कवर्ड बाय पैसेंजर ट्रेन एट एक्स किलोमीटर पर आवर एंड 132 किलोमीटर डिस्टेंस इज कवर्ड बाय एक्सप्रेस ट्रेन एट स्पीड एक्स प्लस 11. तो दोनों का टाइम हमने फाइंड आउट कर लिया दैट्स नॉट इक्वल. वो इक्वल नहीं है. सो उसने क्या कहा था कि 1 आवर लेस टाइम जो है वो एक्सप्रेस ट्रेन लेती है. तो एक्सप्रेस ट्रेन का जो टाइम है दैट इज 132 अपॉन एक्स प्लस 11. ये 1 आवर लेस है तो इसमें 1 ऐड कर देंगे. नाउ टाइम इज इक्वल. सो अब इसे हम एलसीएम लेंगे और उसे थ्रू आउट मल्टीप्लाई करेंगे. सो इट बिकम 132 इंटू एक्स प्लस 11 इक्वल टू 132 एक्स प्लस एक्स इंटू एक्स प्लस 11. नाउ इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो एलसीएम जो है वो हमारा खत्म हो जाएगा. एंड फ्रॉम हेयर इट्स 132 एक्स प्लस 1452 इक्वल टू 132 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 11 एक्स. नाउ ट्राई टू राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म. एक्स स्क्वायर सिंगल टर्म इज देयर एंड एक्स कंटेनिंग टर्म्स ओनली 2 टर्म्स आर देयर. सो दैट इज प्लस 11 एक्स एंड 132 एक्स इज कैंसल फ्रॉम बोथ साइड. 132 कैंसल हो जाएगा. सो दैट इज 1452 इक्वल टू 0. तो ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन आ जाती है. सो लेट्स सेपरेट इट एंड सॉल्व इट. आप चाहें तो इसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी सॉल्व कर सकते हैं. सो एक्स स्क्वायर प्लस 11 एक्स माइनस 1452 इक्वल टू 0. अगर हम मिडल टर्म को सप्लिट करेंगे देन वी गेट एक्स स्क्वायर प्लस 44x माइनस 33x एंड माइनस 1452 इक्वल टू 0. अब इसे कॉमन फैक्टर लेंगे पेयरिंग करके. हम इसमें से x कॉमन फैक्टर लेगा. सो x प्लस 44 और इसमें से 33 कॉमन फैक्टर लिया जाएगा. सो रिमेनिंग इज x प्लस 44 इक्वल टू 0. नाउ x प्लस 44 इंटू एक्स माइनस 33 इक्वल टू 0. अब दोनों में से दोनों का प्रोडक्ट 0 है तो x प्लस 44 इक्वल टू 0 या फिर
x माइनस 33 इक्वल टू जीरो, दोनों में से एक को जीरो होना पड़ेगा। हेयर x इक्वल टू माइनस 44 एंड दैट इज नेगेटिव, सो स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, सो हेयर x इक्वल टू 33, सो ये हम रिजेक्ट कर देंगे और ये आ जाता है 33 किलोमीटर मीन स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन, दैट इज 33 किलोमीटर पर आवर। सो स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन, जो एक्सप्रेस ट्रेन है हमारी, उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, 11 मोर है मीन्स 33 प्लस 11 दैट इज 44 किलोमीटर पर आवर। सो लॉन्ग विद दिस आवर 10th क्वेश्चन इज ओवर एंड रिमेनिंग 11th क्वेश्चन के लिए आप नेक्स्ट वीडियो देखिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।